started discuss about the safety use and why safety is needed, we already discussed. Now, today we will discuss about the safety on playground. Do not push or hit each other while playing. हमें कभी भी खेलते वक्त एक दूसरे को push नहीं करना चाहिए और hit नहीं करना चाहिए, जिससे अचानक से गिर जाए तो हमको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए. Next, do not play rough game. हमें कोई भी ऐसा गेम नहीं खेलना चाहिए जो कि रफ हो, मतलब मारपीट, भागा दौड़ी, मतलब खेलों पर ऐसी चीजें जिसमें हम गिर सकते हैं या किसी को चोट लग सकती है, तो हमको उस टाइप के गेम्स नहीं खेलना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम द स्विंग एंड फ्रॉम द स्विंग. हमें जब कोई झूला झूलता, स्विंग इन द सेंस झूला झूलता, कोई अगर झूला झूल रहा है तो लेट स्टॉप, झूला को स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद आप झूलिए. और झूलते समय आपको उसके आगे पीछे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अचानक से हो सकता है कि वो आपके पास आए और आपको धक्का लग जाए, तो ये आपके लिए डेंजरस हो सकता है. नेक्स्ट इज सेफ्टी इन स्कूल. हम स्कूल जाते हैं, सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो हमको सेफ्टी वहाँ पर भी फॉलो करना कंपलसरी है. तो सबसे पहले अगर हम स्कूल में हैं और हमको सेफ्टी रूल्स फॉलो करें, तो क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान देनी है. सबसे पहले डू नॉट पुश ईच अदर. एक दूसरे को धक्का नहीं देना है. कई बार होता है कि प्रेयर की लाइन लग रही है और पीछे से कोई बच्चा धक्का दे दिया और उसके चक्कर में क्या होगा, आगे के बच्चे भी गिर जाएंगे. कभी कभी ये होता है कि बच्चे सीढ़ी चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तभी भी ये चीज़ें होती हैं और आपने धक्का मार दिया तो कोई अचानक से अनहोनी हो सकती है. डू नॉट जम्प ऑन द बेंचेस. हमें बेंच के ऊपर चढ़ के इधर उधर जंप नहीं कर सकता है, करना है, क्योंकि हो सकता है कि डिस्बैलेंस हो जाए, आप गिर जाए, आपको चोट लग जाए, या ये भी हो सकता है कि बेंचेस पे जंप करने से बेंचेस चालक से खिसक गया तो भी आप डिस्बैलेंस होकर गिर सकते हैं. तो हमको कब क्या करना है, हमको एक बेंच से दूसरे बेंच पे जंप नहीं करना है. थर्ड पॉइंट, डू नॉट थ्रो थिंग्स इन द क्लासरूम. जब आप क्लासरूम में हो तो कोई भी सामान इधर उधर नहीं, जैसे किसी ने आपसे पेंसिल मांगा, आपने उठाया, फेंक दिया, अपने इरेजर मांगा, उठा के फेंक दिया, तो ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं कि उसकी पेंसिल की नोक अचानक से उसकी आंखों में लग सकती है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है. तो हमको कभी भी कोई भी सामान क्लासरूम में इधर से उधर फेंकना नहीं है, बल्कि उठ के जाना है और उस चीज़ को हैंड ओवर करना है. अब आते हैं सेफ्टी ऑन रोड. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. अगर हम सेफ्टी ऑन रोड की बात करते हैं तो हमारे सारे प्रिकॉशन कहीं ना कहीं गुम हो जाते हैं, क्योंकि आजकल इतने जल्दी में हम लोग होते हैं. तो ये चीज़ें आपके लिए भी हैं लेकिन आपके पेरेंट्स के लिए भी, दोनों के लिए सेम वर्क करता है. तो सेफ्टी ऑन रोड में सबसे पहला पॉइंट ये हुआ ऑन द फुटपाथ. जब आप व्हीकल से नहीं हैं, खाली आप ऐसे पेडेस्ट्रियन हैं, आपको हमेशा क्या करना चाहिए, फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. आपको जहाँ पे गाड़ी आनी चाहिए हो रही है वहाँ से आपको मूव नहीं करना है. सेकेंड, यूजिंग ज़ेब्रा क्रॉसिंग. ज़ेब्रा क्रॉसिंग मतलब आपने देखा होगा कि वो ब्लैक वाला स्विच होता है, व्हाइट व्हाइट लाइन बनी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग. तो हमको ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना चाहिए. और रोड क्रॉस करने से तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, यूजिंग द ट्रैफिक लाइट्स. ट्रैफिक लाइट्स को देखना कंपलसरी. आपने यहाँ पर तीनों लाइट्स के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि रेड मतलब स्टॉप, येलो मतलब यू रेडी, एंड ग्रीन मतलब यू मूव ऑन. आपको ट्रैफिक लाइट्स देख के ही मूव करना है. और जब आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करेंगे तो सबसे पहले आपको तीन रूल्स हमेशा ध्यान रखना है. रूल्स क्या है, सबसे पहले अपने राइट देखो, फिर अपने लेफ्ट देखो, अगेन अपने राइट देखो, और जब आपको लगे कि सारी चीज़ें क्लियर है देन यू मूव ऑन. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. नेक्स्ट, नेवर रन ऑन वे ऑन द रोड. कभी भी आपको रन नहीं करना, ना ही वहाँ पे खेलना है, बिकॉज रोड आपके खेलने के लिए नहीं है, वहाँ के लिए प्ले ग्राउंड है. और प्ले ग्राउंड के कुछ सेफ्टी रूल्स ऑलरेडी हम यहाँ पे देख चुके हैं, तो ये चीज़ें ध्यान देना है. हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि कोई कार अगर खड़ी है, बाइक खड़ी है, तो उसके पीछे से मूव मत कीजिए. कई बार होता है कि हम लोग बैक गियर लेते हैं तो भी केयरलेस के कारण आपको नुकसान हो सकता है. ट्राई कीजिए हमेशा सामने से या थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ही मूव करना. देन वी नेक्स्ट टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, देन वी मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट एड. फर्स्ट एड इज व्हाट, द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर्स अराइवल इज कॉल्ड फर्स्ट एड. इमीडिएट हेल्प मतलब
इससे, तो इनिशियली आपका कुछ कट जाता है, अगर कुछ माइनर है तो आप इसी से ही ठीक करते हैं, और कुछ मेजर है देन वी कंसल्ट विद द डॉक्टर। बट द थिंग इज कि इमीडिएट हेल्प गिवन बाय इंजर्ड पर्सन बिफोर द डॉक्टर अराइवल इट इज कॉल्ड अ फर्स्ट एड। और फर्स्ट एड हम कब देंगे और कैसे देंगे, तो फर्स्ट एड की कुछ कुछ बेसिक टिप्स हैं। फर्स्ट फॉर कट्स एंड पोर्स, माइनर से कट्स हो जाता है तो यू कैन डू दैट कि आपने उसको अच्छे से वॉश कर लिया बिफोर अप्लाइंग एनी एंटीसेप्टिक लोशन, उसको वॉश कर लीजिए। बट अगर कुछ डीप कट है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसके ऊपर जो धूल मिट्टी जमी होगी उसको क्लीन करना है। क्लीन करने के बाद कॉटन पैड्स को अच्छे से डिटॉल या सेवलॉन या कोई भी एंटीसेप्टिक लोशन जो आपके पास अवेलेबल हो उसे क्लीन करें, देन आफ्टर यू अप्लाई बैंडेज। माइनर कट्स हैं तो यू अप्लाई बैंडेज, तो डिपेंड करता है कि आपका कट्स कैसा है, हल्का फुल्का कोई कट्स है या कोई मेजर कट्स है, अकॉर्डिंग टू दैट यू अप्लाई एंटीसेप्टिक लोशन, एंटीसेप्टिक क्रीम, व्हाटएवर द नीड इज, पर आपको बैंडेज या बैंडेज करके उसको कवर रखना है। नेक्स्ट आता है आपका माइनर बर्न्स, अब हल्का सा कुछ बनाते हुए हाथ जल जाता है तो आप क्या करोगे, अगर हल्का फुल्का है तो सबसे पहले काम क्या करना है,